वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमें किसी भी नए टेस्ट को जब हम किसी भी पेशेंट का कलेक्शन करके लाते हैं तो उसका किस तरीके से एंट्री करना चाहिए और कैसे हमें सैंपल को मेंटेन करना है एज अ रिपोर्टिंग बुक और एज अ एंट्री बुक के हिसाब से। तो पहले हम एंट्री बुक का एंट्री देख लेते हैं कि किसी भी पेशेंट का सैंपल लाते तो हम कैसे एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी डेट है, जो भी दिन का डेट है, डेट हमें मेंशन करना है। जैसे कि आज का डेट हो गया हमारा 7 या 09/23, ये हमने डेट मेंशन कर दिया। डेट हमेशा हमें मेंशन रखना है और डेट मेंशन करने के बाद में फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा पेशेंट नेम, देन उसके बाद हमारा आ जाता है टेस्ट, जो भी टेस्ट है। अब जो बाकी का मैंने एंट्रीज रखा है वो आपको अपने अकॉर्डिंगली, मीन्स कि आप किस तरीके से लैब को मैनेज कर रहे हो, तो आप पेशेंट का टोटल अमाउंट या पेड अमाउंट या बैलेंस अमाउंट या तो फिर पेशेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हो गया या व्हाट्सएप नंबर हो गया या पेशेंट का एड्रेस हो गया, अगर आप उनको होम बेस्ड सर्विस दे रहे हो तो इस तरीके से ये हेडिंग हमें मेंटेन करना रहता है। अब जैसे पेशेंट का नाम जो भी मिस्टर एक्स वाई जेड या हमने डाल दिया, अब समझो पेशेंट का टेस्ट है CBC, ESR, CRP, लिपिड और ब्लड शुगर फास्टिंग लेते हैं और एक्सेंट्रा कोई भी टेस्ट रहने दो, तो इस तरीके से हमें टेस्ट मेंशन कर लेना। और जो भी आपके टेस्ट का वैल्यू होता है तो टोटल अमाउंट में हम लिख देते हैं, अमाउंट जो भी है पेशेंट ने कितना दिया वो हम लिख देंगे और बैलेंस कितना है वो लिख देंगे। अब पेशेंट का नंबर है तो वो, अब पेशेंट का एड्रेस है तो वो, जो भी रहेगा वो हम उसको मेंशन कर देंगे। तो इस डाटा एंट्री को हम बोलते हैं टेस्ट एंट्री या इसको हम बोलते हैं एंट्री बुक, जो हम मेंटेन करते हैं अपने एंट्री बुक को। एंट्री बुक को क्यों मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपरली, ताकि कभी किसी पेशेंट का मेडिक्लेम हुआ, किसी पेशेंट का कुछ केस वगैरह हुआ, कुछ हुआ, तो हमें ये बुक्स को सामने रखना पड़ता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव के सामने हमें ये अपने बुक को दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए जितना ज़्यादा हो उतना अच्छे से हमें हमारा एंट्री बुक को मेंटेन रखने का है। अब आ जाता है हमारा रिपोर्टिंग बुक। अब रिपोर्टिंग बुक में क्या होता है, अब जैसे हमने एंट्री बुक में हमने पेशेंट को एंट्री कर दिया, तो रिपोर्ट बुक में अब जो हम टेस्ट करेंगे उस टेस्ट का पूरा पैरामीटर रीडिंग्स को हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे कि अभी समझो हमने यहाँ पे लिख दिया पेशेंट नेम XYZ, पेशेंट का एज हमने डाल दिया जो भी है, और जो भी डॉक्टर ने हमें रेफरेंस दिया है या जो भी डॉक्टर का पेशेंट है उस डॉक्टर का नाम। अब जैसे इस पेशेंट का नाम है, सॉरी इस पेशेंट का टेस्ट है CBC, ESR, CRP, लिपिड, ब्लड शुगर फास्टिंग, तो हमें इस टेस्ट को किस तरीके से लिखना है। जैसे CBC में हम किस किस चीज़ों को देखते हैं, तो हेमोग्लोबिन, RBC, HCT, WBC, RDW, MPB, देन उसके बाद में इस साइड हम लिख देंगे प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बिस्नोफिल। इस तरीके से हम एक CBC को मेंटेन करते हैं। जस्ट बाजू में अब जैसे लिपिड टेस्ट है, आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में समझाने के हिसाब से ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल, TG और HDL कोलेस्ट्रॉल, तो ये होता है लिपिड प्रोफाइल में 3 टेस्ट जो हम करते हैं। तो और उसके बाद हम इसके नीचे के ही ऑप्शन में लिख सकते CRP हो गया हमारा, और फिर उसके बाद हमारा ब्लड शुगर फास्टिंग हो गया, और फिर उसके बाद में हमारा ESR हो गया, जो भी है इस वैल्यू, मीन्स कि जितना यहाँ पे आपने एंट्री बुक में टेस्ट लिखा उतना ही टेस्ट का पूरा डाटा हमारे रिपोर्ट बुक में होना चाहिए, ताकि आपने इन केस अगर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, डाटा आपका लॉस होता है, तो आपके पास में उस डेटेड का वो रिपोर्ट बुक होना रहेगा, तो आपको डाटा तुरंत मिल जाएगा। तो रिपोर्ट पे भी आपको डेट मेंशन करना रहेगा,
ठीक है, अब ये तो हो गया टेस्ट। अब इस टेस्ट को हमें कम से कम टाइमिंग और कम से कम समय में अगर क्लियर करना है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो हालांकि आपको इतना समझ गया होगा, अगर इसमें कुछ भी डाउट हुआ है, कुछ भी आपको लगता है कि मुझे नहीं समझा करके, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब इसी टेस्ट को हमें जल्दी से जल्दी करने का क्या प्रोसीजर है, तो आप ये देखो हमने सामने अरेंज करके रखा है। तो अब जैसे ये पेशेंट का शुगर हो गया, पेशेंट का भी लिक्विड वाला हो गया, ये पेशेंट बिलीरुबिन हो गया, तो हमने सब में रिएजेंट्स वगैरह को फुलफिल करके रखा है। तो अब टाइमिंग आपको बचाना है टेस्ट करने के लिए, तो वो आपके हैंड होल्डिंग पे, क्योंकि स्ट्रेटजी मैं आपको बता सकता हूँ, बट आपके पास कितना स्पीड है टेस्ट को परफॉर्म करने का वो आपके ऊपर है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ कि अब मैंने ग्लूकोज देन बिलीरुबिन, फिर CRP और उसके बाद में हमारे लिपिड्स। तो ग्लूकोज जो है सैंपल मिक्स करने के बाद ग्लूकोज को 15 मिनट वेट करना पड़ता है टेस्ट रन करने से पहले। बिलीरुबिन को 5 मिनट वेट करना पड़ता है टेस्ट करने से पहले। CRP इंस्टेंटली होता है तो कोई वेटिंग टाइम नहीं है। लिपिड्स में भी 10 मिनट का वेटिंग टाइम है। तो अब हमें हमारे टेस्ट को इस तरीके से करना है कि एक ही टाइम में सब कुछ मिक्स हो जाना चाहिए, सब कुछ का टाइमिंग परफेक्टली होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले जो 15 मिनट का है उसमें रिएजेंट मिक्स कर लेना है, 15 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही 15 मिनट वाले सैंपल का जो भी टाइमिंग है, जैसे शुगर का, मिक्स कर लिया, तो उसके बाद तुरंत हमें 10 मिनट वाले का सैंपल ऐड करने का है। तो आपको क्लॉक पे ध्यान देना है कि 15 मिनट पे स्टार्ट किया था और सैंपल डालते डालते इधर 14 आ गया, मीन्स आपको एक मिनट लगा सब में सैंपल डालने का। तो 14 से 10 इसका फिर काउंट करने का, मतलब 15 मिनट इसका तो जाएगा और 10 मिनट इसका कैसा रहेगा कि जब क्लॉक में 4 मिनट बचेगा तो इसका 10 मिनट हो चुका रहेगा, और जब 4 मिनट बच रहा है तो जब आपके क्लॉक में 7 या 8 या 9 मिनट चल रहा है तो उस टाइम आपको बिलीरुबिन में सैंपल डाल लेना है, ताकि आपको बिलीरुबिन के लिए 5 मिनट रुकना है और 5 मिनट आपका उसमें हो जाएगा। तो हमने 15 मिनट में ही लिपिड भी कर लिया, बिली भी कर लिया। अब जब तक हम इसमें 1 मिनट लगेगा सैंपल डालने के लिए, तो तब तक अगर पेशेंट का CRP टेस्ट है, आज के CRP टेस्ट है किसी भी एंट्री में, तो हम बगैर टाइम वाला टेस्ट पहले रन कर लेंगे। तो जैसे अभी हमारा मशीन है, तो हमारे मशीन में पहले हम रन कर लेंगे हमारा टेस्ट CRP, ताकि वो CRP रन होते रहेगा और साथ ही साथ में हम इसमें भी रिएजेंट वगैरह मिक्स करेंगे और हम हमारे टाइम को अच्छे से अच्छे मैनेज करके कम से कम टाइम में एक अच्छा रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते और कम टाइम में हमारा टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज के लिए इतना ही वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर लेना, या नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट करना।